हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर नौकरियों से संबंधित आरक्षण से जुड़े 3 नए नोटिस जारी किए गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारी चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आप यहां पे देखिए 3 नए नोटिस है। ठीक है, ये 3 नए नोटिस हैं। मैं आपको इनमें से एक ओपन करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं 5 जून के ये नोटिस है। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट को ये भेजे गए हैं। रिजर्वेशन फॉर EBPGC, तो पहले जो EBPG का सर्टिफिकेट बनता था उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन आरक्षण से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे ये बता गया कि जैसा कि आप सभी को पता है, डिपार्टमेंटों को भेजा गया है, जैसा कि सभी डिपार्टमेंटों को पता है कि EBPG जो सर्टिफिकेट है, जो आरक्षण है, इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, और जितनी पुरानी भर्तियाँ थी जिनमें EBPG की वैकेंसियां थी लेकिन केस होने की वजह से उसको आगे नहीं लेके जा गए, उन भर्तियों को पूरा नहीं किया गया, अब जो EBPG की भर्तियां हैं वो या तो जनरल में काउंट की जाए या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट की जाए या फिर जो नया आरक्षण दिया गया है EWS, उनमें इनको काउंट किया जाए। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल है वो आप जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है हरियाणा की उसके पास डिटेल प्रोवाइड की जाए, आप इन कैटेगरियों की, इन जो पदों की डिटेल को, ताकि जल्द से जल्द इनके बारे में जो है जॉब से जुड़ी सूचना प्रकाशित कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पे बस यही लिखा है दोस्तों, ये नया नोटिस है और मोस्ट अर्जेंट में ये एक्शन लेने के लिए कहा गया है इन सभी पे। ठीक है, ये 3 नए नोटिस है दोस्तों। ये पहला नोटिस है बैकवर्ड क्लास ब्लॉक सी, जो सी एक नई कैटेगरी और बनाई गई थी जनरल के लिए। ठीक है, उसको भी बंद कर दिया गया, फिर SBC बनाई गई उसको भी बंद कर दिया गया, फिर EBPG बनाई गई उसको भी बंद कर दिया गया। तो ये 3 नए नोटिस है दोस्तों, इन सभी रिजर्वेशन के जो नाम दिए गए थे इनको बंद करके नई भर्ती निकालने के लिए, डिटेल भेजने के लिए रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के पास में ये नोटिस यहाँ पे बताए गए हैं। इनसे फ़ायदा किसको होगा, जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अब ज़्यादा पद हो सकते हैं, जो पुरानी भर्ती में पद रुके हुए थे इन कैटेगरी के लिए वे भी रिलीज किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।